हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पेन पेन ब्लॉग में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एसजे कैम 4000 कैमरे, जो कि मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से, जो कल ही आया है। तो आज अभी दिखाता हूँ उसके बारे में, ये प्रोडक्ट जो इसमें कैमरा है और ये फ़ायदेमंद है या नहीं है ब्लॉग के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको इस वीडियो में। ये एसजे कैम कैमरा जो इसका मैं आज ओपन करूँगा, इसका कैमरा है, इसके बारे में बताता हूँ आज। तो गाइस अभी हम ओपन कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह का निकला, तो इस तरह का निकला। अब इसे हम और ओपन करते हैं, तो गाइस कुछ इस तरह का निकला है हमारा कैमरा, जो कि एक कवर में पैक है, जो कि वाटरप्रूफ है। अब इसे हम निकालते हैं अभी। तो अभी इसको निकाल लें, कुछ इस तरह का दिखाएगा एसजे कैम कैमरा, जो कि दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, लुक भी बढ़िया है। लेकिन इसकी वीडियो क्वालिटी चेक करेंगे थोड़ी देर में, उसके बारे में बताएंगे। तो अभी इसके साथ क्या क्या है वो भी देखते हैं। इसका चार्जर, डाटा केबल, यूएसबी, इसमें बहुत सारा सामान निकल रहा है। वैसे तो इसके साथ ये, इसके साथ सामान है ये लगाने के लिए, ये हेलमेट में का सामान, ये भी है बहुत सारे इसके साथ। हम इस कैमरे को हम बताएंगे, ये दिखने में तो अच्छा है, इसकी फ़ोटो क्वालिटी भी सही है, लेकिन इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी ख़राब है, ये हिलता बहुत है। अगर आप मोटो ब्लॉगिंग के लिए ले रहे हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इससे अच्छा गोप्रो लो आप या इससे महंगा लें एसजे कैम। ये बजट में तो वैसे सही है, लेकिन इसकी वीडियो क्वालिटी इतनी ख़राब है, बिल्कुल बहुत हिलती है। अगर हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कितनी हिल रही है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन मेरी राय मानो तो मोटो ब्लॉगिंग के लिए ये बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। मैं तो लेके बहुत ही पछता रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे इसको रिटर्न करना है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब मुझे लगता है मैं दूसरा लूँगा। अगर मैंने सोचा मेरा बजट में है, इसको लेके देखता हूँ, लेकिन इसको लेके देखा तो इसकी वीडियो क्वालिटी भी बिल्कुल बढ़िया नहीं लगी मुझे, हिल बहुत रहा है इसकी वीडियो क्वालिटी, इसलिए मैं इसे रिटर्न करूँगा, अपने पैसे वापस लेने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए हमारी वीडियो में। बाय बाय।